वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। तो चलिए, कल अपने टाइप नंबर फर्स्ट किया था ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का, और मैंने आप लोगों को बोला था कि कल एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए, बढ़िया क्वेश्चन होगा। तो देखिए, चलिए यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि वाई का एक पुत्र एक पुत्री है। अब देखिए, यहां पे इसने बोला है कि वाई का एक पुत्र और एक पुत्री है, तो मैंने यहां पे वाई ले लिया, इसका एक पुत्र बना दिया और एक क्या बना दी, इसकी पुत्री बना दी है। अब मुझे ये नहीं पता अभी तक कि पुत्र कौन है और पुत्री कौन है, तो मैंने यहां पे केवल प्लस और माइनस ही किया है इसके, क्लियर है? क्योंकि पुत्र और पुत्री क्या होते, एक पीढ़ी नीचे होते, तो इसके एक पीढ़ी नीचे आ गया है। अगर इसका बेसिक देखना है तो मैंने इसकी पहली वीडियो में देखना आप लोग। चलो नेक्स्ट, यू टी का पुत्र है। यहां पे यू और टी नजर आ रहे हैं आप लोगों को, नहीं नजर आ रहे, छोड़ दो उस लाइन को। अब यहां पे आया है कि वाई यू का पिता है, ये कंफर्म हो चुका है, वाई है क्या पिता है। अब किसका है, यू का, यू ये होगा या यू ये होगा, ये पता नहीं, तो यहां से हिसाब पता चला है यू टी का पुत्र है, यानी यू है क्या पुत्र है, तो यू यही होगा। आई बात समझ में? अब टी का पुत्र है, यू तो वाई का भी पुत्र है और टी का भी पुत्र है, जब यू उसके, यू जो है वाई का भी पुत्र है और टी का भी पुत्र है, जब वाई इसका पिता है तो टी क्या हो जाएगी, उसकी मम्मी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, टी क्या हो जाएगी, उसकी मम्मी हो जाएगी। नेक्स्ट, ये लाइन भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर हो चुकी है। अब आता है टी जे की मम्मी है। अब टी और किसकी मम्मी है, जे की, तो ऑब्वियसली बात है जे यही होगी या नहीं होगी, जे कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट, पी एम का पुत्र है। यहां पे पी और एम नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं नजर आ रहा है, इस लाइन को छोड़ दो। टी डी की बहन है, टी किसकी बहन है, डी की बहन है। अब डी क्या है, भाई है या बहन है, अभी तक कंफर्म नहीं है, भाई है या बहन है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन वो विवाहित किससे है, जो जो पी से विवाहित है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि जो जिसका आता है वो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। जो हटाओ यहां पे, सेकंड पर्सन उठा दो, जो और जिसका। स्टूडेंट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो और जिसका किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है, बाकी और वह लेकिन किंतु परंतु ये सब किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। इसलिए यहां पे अपने पास में जो था तो जो की जगह मैंने सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, डी है, तो मैंने डी को उतार दिया। डी पी से विवाहित है। अब डी की शादी किससे हुई है, पी से हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि डी लड़का है या लड़की है, पी लड़का है या लड़की है, लेकिन ये कंफर्म है कि इनमें से एक लड़का है और एक लड़की है, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ है। अब ये मुझे किस लाइन से पता चलेगा, मुझे इस लाइन से पता चलेगा कि पी क्या है, एम का पुत्र है। पी किसका पुत्र है, एम का पुत्र। मैं तो यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, पी जो है किसका पुत्र है, एम का पुत्र। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये लड़का है तो यानी कि पति है, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगी, पत्नी होगी या नहीं होगी, होगी। तो चलिए, अब पूछा क्या है, डी का किससे, एम से क्या रिश्ता है, किसका, डी का किससे, एम से। मैंने आप लोगों को कल बताया था जैसे कि जिसके पास का लगेगा रिश्ता उसका ही देखना है, और जिसके पास से लगेगा रिश्ता उससे ही देखना है, तो मुझे रिश्ता किससे देखना है, एम से। यानी कि बेटा और बेटे की पत्नी कौन होती है, बहू, यानी पुत्र वधु। आई बात समझ में, बेटा और बेटे की पत्नी कौन होती है, पुत्र वधु, बहू। आई बात समझ में, क्लियर है? तो चलिए आप अपने करते हैं टाइप नंबर सेकेंड। चलो, जिसको उतारना हो उतार सकते हैं, चलिए पॉज करके उतार लीजिएगा। अब आता है टाइप नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ए प्लस बी का अर्थ है, ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए बी की माता है, ए इंटू बी का अर्थ है, ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है, ए बी की बहन है, और लास्ट लिखा रहा हूं ए बराबर बी का अर्थ है, ए बी की पत्नी है।
यहां पे ये जो सिंबल दे रखे हैं, यहां पे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ये सिंबल चेंज भी हो सकते हैं, वो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। वो दे सकता है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, या ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता, वो कुछ भी दे सकता है। आप साइन पर मत जाना, लेकिन हाँ ये चारों चीजें पांचों चीजें आपको देगा जरूर वो आई पास। उसी के बाद में वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है मेरा पी प्लस क्यू प्लस R इंटू एस में P का S से क्या रिश्ता है। ये देखिए उसने पूछा है P प्लस क्यू प्लस R इंटू एस में P का S से क्या रिश्ता है। तो देखिए अभी अपन देखते हैं कि क्या रिश्ता है इसका। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे अपन P प्लस क्यू। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे अपन P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या है, P Q का पिता है। P किसका पिता है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे P Q का पिता। मैं डायग्राम यहीं पे बना देता हूं आप लोगों के लिए, शायद यहां पे बना देता हूं। चलो P प्लस Q का मतलब क्या है, P Q का पिता है। P इज फादर ऑफ Q। नेक्स्ट अब सोल्व करेंगे अपन Q प्लस R। Q प्लस R का मतलब क्या है, Q R का पिता है। Q किसका पिता है, R का पिता है। तो ऑब्वियसली R से ऊपर आएगा या नहीं आएगा, उसका पिता P था तो P जो है Q से ऊपर आया। अब Q किसका पिता, R का, तो R से ऊपर आएगा। अब आता है R into S। R into S का मतलब है R S का पिता है, सॉरी R S का, R into S का मतलब है R S का भाई है। R किसका भाई है, S का भाई है। अब पूछा क्या है, P का S से क्या रिश्ता है। वही चीज वापस आ रही है, किसके पास से लगा है, S के पास, और किसके पास का लगेगा, P के पास। तो यहीं से स्टार्ट करना है, मुझे बताओ इन दोनों का पिता कौन, Q, और पिता का पिता कौन होता है, दादा। तो मुझे बताओ P का S से क्या रिश्ता आ जाएगा, दादा का रिश्ता आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उतारना चाहो तो उतार लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना P इंटू आर प्लस एस भाग टी में P का T से क्या रिश्ता है। देखिएगा इधर देखो, सबसे पहले मैंने वही बात करनी है अपने को, सबसे पहले क्या सोल्व करूंगा मैं, P इंटू आर। P इंटू आर का मतलब है P R का भाई है। P किसका भाई है, R का भाई है। नेक्स्ट अब क्या सोल्व करूंगा मैं, R प्लस S। R प्लस S का मतलब है R S का पिता है। R किसका पिता है, S का पिता है। नेक्स्ट अब क्या सोल्व करूंगा मैं, S भाग T। S भाग T का मतलब है S T की बहन है। S किसकी बहन है, T की बहन है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, पूछा उसने ये है कि P का T से क्या रिश्ता है, तो का किसके पास लगा है, P के पास, और से किसके पास लगा है, T के पास। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का पिता कौन, R। इन दोनों का पिता कौन, R। और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। कौन होता है, चाचा। तो P का T से क्या रिश्ता आ जाएगा, चाचा का रिश्ता आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर सेकंड यहीं तक फिनिश होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस के अंदर कि सर मैंने टाइप फर्स्ट करा, टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, तो स्टडीग्राम के व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन क्लिक करके या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो आप क्वेश्चन की पिक क्लिक करके आप स्टडीग्राम के व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब आता है टाइप नंबर थर्ड। संकेत पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर थर्ड बहुत इजी है। और एक बात बताता हूं स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर थर्ड से ज्यादा होते हैं। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड के बहुत कम आते हैं, लेकिन यू नहीं है कि आपको टाइप नंबर सेकंड करना ही नहीं है, टाइप नंबर सेकंड भी आपको करना है। चलो चलिए अब आता है टाइप नंबर थर्ड। क्वेश्चन है
ध्यान से देखिएगा, राम ने एक तस्वीर की ओर और इशारा करते हुए कहा, कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो राम का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? चलिए देखिए, उस राम बोल रहा है, राम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, यह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की इकलौती इकलौते पुत्र की इकलौती सॉरी पुत्री है, यहां पे पुत्री लिख लेना, इकलौती इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो राम का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो तरीका जो मैंने आप लोगों को बता रखा है डायग्राम बना के, दूसरा तरीका अपन बिना मतलब क्वेश्चन को पढ़े ही सोल्व कर सकते हैं, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे दादा, राम के दादा कौन? राम के दादा, ठीक है, राम के दादा का इकलौता पुत्र। अब मुझे एक बात बताओ, आपके दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है? आपके पिता। और दादा के मतलब आपके पिता का, पिता की पुत्री कौन होगी? ऑब्वियसली बात है, आपकी बहन होगी। कौन होगी? आपकी बहन होगी। तो मुझे बताओ, राम का उस तस्वीर से यानी राम का अपनी बहन से क्या रिश्ता है? क्योंकि का किसके पास लगा है? राम के पास। तो क्या रिश्ता आ जाएगा? भाई का रिश्ता आ जाएगा। क्या रिश्ता आ जाएगा? भाई का रिश्ता आ जाएगा। अब अपन इसको करते हैं डायग्राम से सोल्व, डायग्राम से सोल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले राम कह रहा है मेरे दादा, राम के दादा कौन? राम के पिता कौन हो जाएंगे? राम के दादा। राम के दादा का इकलौता पुत्र कौन? ऑब्वियसली राम का क्या आ जाएगा? पिता हो जाएगा। और राम के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री कौन होगी? राम की बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? राम की बहन हो जाएगी। पूछा क्या है? राम का किससे तस्वीर, तस्वीर तो बहन की है, आई बात समझ में? तस्वीर किसकी है? बहन की है। तो तस्वीर, राम का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, कहा इसकी मां मेरी मां की इकलौती पुत्र वधु है, इकलौती पुत्र वधु है। तो मोहन का उस लड़के से क्या रिश्ता है? चलो चेक करते हैं। देखिए, इस ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मोहन ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि इसकी मम्मी जो है मेरी मम्मी की इकलौती पुत्र वधु है, मतलब लड़के की मम्मी। देखो ध्यान से देखना, सिंपल सा है कि लड़के की मम्मी और मेरी मम्मी की इकलौती पुत्र वधु। मेरी मम्मी मतलब मोहन बोल रहा है, तो मोहन की मम्मी की पुत्र वधु एक ही औरत है। यही तो बोल रहा है कि लड़के की मम्मी और मेरी मम्मी की इकलौती पुत्र वधु जो है वो एक ही औरत है। मोहन की मम्मी की पुत्र वधु, इकलौती पुत्र वधु नहीं लिख रहा हूं, केवल पुत्र वधु लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मी की, अगर आप लड़के हो, आपकी मम्मी की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? ऑब्वियसली आपकी पत्नी होगी या नहीं होगी? तो मैं सीधे यहीं पे लिख दूं, मोहन की मम्मी की पुत्र वधु की जगह यहां कर दूं, मोहन की
पत्नी, यही तो बोल रहा है कि लड़के की मम्मी और मेरी पत्नी एक ही है, तो मैं यहां पे सबसे पहले एक लड़का बनाता हूं, लड़के की मम्मी बनाता हूं, ये लड़का ये होगी उसकी मम्मी, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा मोहन की पत्नी, ये मोहन और ये हो गई मोहन की पत्नी। अब ये बात ये बोली उसने कि जो लड़के की मम्मी और मोहन की पत्नी एक ही है, तो अब यहां पे इसका एक लड़का है तो इसका भी एक लड़का हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि पूछा क्या है, मोहन का उस लड़के से क्या रिश्ता है, मोहन का उस लड़के से, तो मुझे ये बताओ मम्मी और मम्मी का पति कौन होता है, पिता, कौन होता है, पिता, तो मोहन का उस लड़के से क्या रिश्ता है, पिता का रिश्ता है। अगर पूछ लिया जाता उस लड़के का मोहन से क्या रिश्ता है, उस लड़के का मोहन से क्या रिश्ता है, तो पत्नी और पत्नी का बेटा कौन होता है, बेटा होता है। क्लियर है या नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आता है लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इसकी सास मेरी सास की सास है, तो औरत का राम से क्या रिश्ता है, औरत का राम से क्या रिश्ता है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों से सोल्व नहीं होता मैं देख लूंगा कमेंट्स पे कि अगर गलत कमेंट्स आ रहे हैं तो इसको कल मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर आप लोगों को, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आज अपना ये रक्त संबंध पूरा हो चुका है, कल अपन करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, एक्स वाई जेड कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे स्टडीग्राम के व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो उस पर क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।